नमस्कार दोस्तों, दंगल गर्ल फातिमा एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी हां, आमिर खान से शादी को लेकर वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। जब से आमिर खान ने अपनी वाइफ किरण राव को डिवोर्स दिया है, उसके पीछे वजह बताई जा रही हैं फातिमा, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि किरण राव और आमिर खान का रिश्ता 15 साल पुराना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टूट गया। लेकिन सब बोल रहे हैं कि फातिमा की देन है, क्योंकि फातिमा जो कि किरण राव और आमिर खान के बीच में आई थी, इसीलिए इन दोनों का रिश्ता टूट गया। और कहीं ना कहीं रियल वजह भी यही बताई जा रही हैं कि जब से दंगल मूवी की थी फातिमा ने आमिर खान के साथ में, तब से ही इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। और हाल ही में ही फातिमा और आमिर खान को एक दूसरे के साथ में सपोर्ट किया गया था। साथ ही दोस्तों आपको बता देता हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने और सबसे फेमस चेहरा आमिर खान का कहना ये है, इसी में ही हमारी भलाई थी कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि काफ़ी समय से इनके रिश्ते बहुत ही गंदे कंडीशन से गुजर रहे थे। लोगों का तो इतना कहना है कि आमिर खान और किरण राव हमेशा काफ़ी अच्छी तरीक़ा से रहे, लेकिन जब से फातिमा उनके जीवन में आई हैं आमिर खान के में, तब से आमिर खान और किरण राव एक दूसरे से काफ़ी खपा रहने लगे थे, क्योंकि आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार फातिमा ने एक डिसाइड किया है कि किरण राव से आमिर खान अलग हो ही चुके हैं, अब फ़ायदा उसमें कि वो उससे शादी कर लें। सो ऐसा ही होने जा रहा है दोस्तों। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करा देता हूं, जो कि आपको अभी फातिमा और आमिर खान के बारे में नहीं पता होगा। शायद आपको बता देता हूं कि आमिर खान से दोगुने साल का अंतर है फातिमा में, क्योंकि फातिमा आमिर खान से दुगनी छोटी हैं, जो कि काफ़ी एज डिफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी फातिमा जो कि आमिर खान से जल्द में ही निकाह करने जा रही हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जल्द ही आमिर खान और फातिमा अपने नए अंदाज में भी दिखाई देंगे। वो अंदाज क्या है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन दोस्तों इतना कंफर्म करा देना चाहता हूँ कि जहाँ फातिमा और आमिर खान की बात आती है, वहाँ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं चुप रह जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किरण राव के साथ में जो फातिमा ने किया है वो सरासर गलत है, क्योंकि इतने समय से दोनों रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ में ठीक थे, लेकिन जब से फातिमा आई हैं आमिर खान के जीवन में, जब से इनका जीवन बुरी तरीक़ा से टूटकर बिखर गया। और जल्द ही एक बार फिर से आमिर खान और फातिमा निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, क्योंकि फातिमा आमिर खान को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। वहीं आमिर खान का कहना यह है कि जल्द ही हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आमिर खान ने सही किया है? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज़।